Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज फिर से एक और mistake series में मैं एक video बना रहा हूँ. वो video है आपका hack squat का. इस एक्सरसाइज के बारे में, इस इक्विपमेंट के बारे में आपने बहुत बार पूछा है मुझसे. आज फाइनली इसके बारे में बता रहा हूँ. अब जब हम हैक स्क्वाट की बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये कैसे डिफरेंट है आपके नॉर्मल स्क्वाट से, कैसे डिफरेंट है आपके लेग प्रेस से, आज इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे. और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या हैक स्क्वाट कितना इफेक्टिव है आपके क्वाड्स के लिए, कितना इफेक्टिव है आपके हैमस्ट्रिंग के लिए. और साथ ही साथ मिस्टेक्स आपको मैं बताऊंगा कि अक्सर जो लोग कर रहे हैं, जिससे ज़्यादातर लोगों को इश्यूज़ उनके नीज में होने लगता है, एंकल में प्रॉब्लम होने लगती है, लोअर बैक में इशू होने लगता है. तो आज सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे. और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारी टेक्निक वीडियोज़ मैं डालते रहता हूँ इंस्टाग्राम में, तो प्लीज़ वहाँ पर फॉलो कीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, तो हैक स्क्वाट की जब हम बात करते हैं गाइज, दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव आउट ऑफ स्क्वाट्स एंड लेग प्रेस, ये कहा जा सकता है. क्यों? क्योंकि ये सेफ है, बहुत सेफ है. एक पर्टिकुलर मशीन बनाई गई है सेफ तरीके से आपके जॉइंट्स के लिए, आपके लोअर बैक के लिए, एक सेफ तरीके से स्क्वाट लगाने के लिए ये एक्सरसाइज को बनाया गया है, ये मशीन को बनाया गया है. इसमें आप अपने मेजरली अपने क्वाड मसल्स को फोकस कर सकते हैं, द फ्रंट पार्ट ऑफ योर लेग्स एंड हैमस्ट्रिंग एज वेल. हैमस्ट्रिंग को भी बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया जा सकता है, एज वेल एज योर ग्लूट्स. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इसके सेटअप और पोस्चर से. नाउ जैसे आपको ये मशीन दिख रही है, यहाँ पे तरह तरह की मशीन्स होती हैं जिम्स में, आपको डिफरेंट स्लैंटेड एंगल में भी दिखेगी. ये थोड़ी नई टाइप की मशीन है जिसमें थोड़ा सा आगे रिवर्स लगाने के लिए भी है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे. लेकिन जनरल हैक स्क्वाट मशीन कुछ इस तरीके से होती है. और उसमें किस तरीके से आपको अपना बॉडी का सेटअप करना है, फाइंड आउट. सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी बॉडी को अंदर प्लेस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो शोल्डर है, यानी कि जो शोल्डर कैप्स डेल्टॉइड वाला पार्ट है, क्लेविकल, ये आपका पूरा पैड के अंदर जाएगा, अंडर द पैड. दूसरी चीज़, आपका जो बैक है, अपर बैक, पूरा का पूरा आपके पैड में लगा हुआ होना चाहिए, स्टिक होना चाहिए. साथ ही साथ आपके ग्लूट्स भी ऑलमोस्ट इसमें टच होने चाहिए. इसके बाद बारी आती है आपके हाथों की. तो आपके हाथ यहाँ पे प्लेस करने के लिए आपको जगह दी गई है, ये इस तरीके से आप प्लेस करेंगे. अब ये सारा सेटअप करने के बाद आपको ध्यान देना है अपने अपर चेस्ट के बारे में कि अपर चेस्ट ऐसा रोल नहीं होना चाहिए. कभी भी इस पोस्चर में, हंच्ड पोजीशन में आपको नहीं घुसना है हैक स्क्वाट के अंदर. ऑलवेज अपराइट, चेस्ट अप, शोल्डर को आपने बिल्कुल टक करना है यहाँ पे अपने पैड्स में, ग्रिपिंग करनी है फिक्स, और बैक आपका पैड में लगेगा. यहाँ से आपका जो बॉडी का सेटअप है ये स्टार्ट होता है, ठीक है, और पोस्चर इस तरीके से कंप्लीट होती है. दूसरी चीज़ आती है जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, वो है फीट प्लेसमेंट की और शू सिलेक्शन की. अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कोई भी स्क्वाट टाइप की कोई भी चीज़ लगाते हैं, डेडलिफ्ट लगाते हैं, हैक स्क्वाट लेग प्रेस लगाते हैं, तो आपके पास फ्लैट शूज़ होने चाहिए. फ्लैट शूज़ मतलब कुछ इस तरह के. आप इसमें वेट लिफ्टिंग शूज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप यू नो इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें. तो अगर आपके पास ये भी चीज़ नहीं है तो पीटी शूज़ आते हैं कुछ इस तरह के कि आप पीटी शूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बेयरफुट बिना जूतों के भी लगा सकते हैं. इसके बाद जो आपके फीट हैं, देखिए बिल्कुल आपके ग्लूट्स के, यानी कि जो हिप्स है उसके ऑलमोस्ट नीचे होने चाहिए, दैट्स इट. ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है फीट को और ना ही बहुत पीछे रखना है, इस तरीके से बहुत गलत, ठीक है. एक सही डिस्टेंस पे, सही लाइन में होने चाहिए आपके फीट, ताकि आपका जो फोकस है वो आपके क्वाड्रिसेप मसल, यानी कि फ्रंट पार्ट ऑफ योर लेग्स में आ पाए, ठीक है. इसके बाद बारी आती है डिस्टेंस बिटवीन द फीट, कि क्या डिस्टेंस रहना चाहिए. कुछ लोग बहुत वाइड ले लेते हैं, कुछ लोग बहुत नैरो ले लेते हैं. तो सही जो है वो आपकी शोल्डर विड्थ अपार्ट, यानी कि जितने आपके शोल्डर की डिस्टेंस है उसी हिसाब से आपको फीट रखने हैं, और टोज यानी कि जो आपके पंजे हैं उसको स्लाइटली आउटवर्ड्स पॉइंट करना है, स्लाइटली आउटवर्ड्स, यानी कि इतना फैला दिया आपने, स्लाइटली आउटवर्ड्स. कोशिश क्या करनी है, ग्लूट्स को आप जब स्क्वीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके टोज बाहर की ओर खुल जाएंगे, ठीक है. ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप देने जा रहा हूँ कि फीट प्लेसमेंट से किस तरीके से आप अपने क्वाड वर्क और हैमस्ट्रिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर आपके फीट ज़्यादा ऊपर हैं स्टैंड पे, तो उसका मतलब है कि आप अपने हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा फोकस कर रहे हो और आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल को ज़्यादा टारगेट कर रहे हो. जब आपके फीट सीधा आपके हिप्स के नीचे आते हैं ऑलमोस्ट एक लाइन में, तो उस टाइम पे आप अपने क्वाड को ज़्यादा काम में लेके आ रहे हो. तो ये चीज़ें की जा सकती हैं जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, यानी कि अगर आपको पता है कि आपको ज़्यादा हैमस्ट्रिंग में फोकस करना है तो अपना स्टैंस आपका थोड़ा सा आगे रहेगा, फीट प्लेसमेंट आगे रहेगी. आपको पता है कि अगर आपको क्वाड को ज़्यादा फोकस करना है तो आपका
एक लाइन में रहेगी आपके हिप्स के। तो ये बहुत ही यू नो ये चीज़ें हैं जब आप इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको पता है कि आपकी क्या वीकनेस है। तीसरी मिस्टेक आती है इसमें रेंज ऑफ मोशन की, यानी कि कितने डीप तक आपको जाना है और कितना ऊपर आपको आना है। जब आप शुरू करेंगे इसको तो देखिए मैं किस तरीके से कितना नीचे जा रहा हूँ। देखिए ये हो गई पैरेलल पोजीशन, जब आपका हैमस्ट्रिंग पैरेलल हो गया है इससे थोड़ा सा नीचे, दैट्स इट एंड ऑल द वे अप। अब यहाँ पे देखिए मैं अपने नीज को लॉक नहीं कर रहा हूँ, लॉक कभी भी नहीं करना है आपने। ओके आप नीचे जाएंगे पैरेलल से थोड़ा नीचे, स्ट्रेच दिया क्वाड्स को एंड देन कम अप स्क्वीज, दैट्स इट, नी लॉक नहीं होगा। वॉच इट अगेन, ओके ये आपकी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। कुछ लोग हाफ रेंज ऑफ मोशन करते हैं, ये बिल्कुल गलत। मतलब आपका जो इफेक्ट है पूरी तरीके से क्वाड में उतनी तरीके से आपको नहीं बेनिफिट करेगा जितना आपका फुल रेंज ऑफ मोशन करेगा कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद चौथी मिस्टेक जो आती है वो बहुत ही डेंजरस है गाइस। अक्सर लोग क्या करते हैं जब स्क्वाट लगा रहे होते हैं हैक स्क्वाट, तो अपनी हील को लिफ्ट करने लगते हैं कुछ इस तरीके से। ये अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है वो। ये शायद मैं इसको कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों का हील उठने लगता है। अब जब हील आपका उठने लगता है ना गाइस, तो प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप स्क्वाट लगाते हुए अपने हील को लिफ्ट करते हो तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपका जो सारा टेंशन है, जो लोड है जो आप उठा रहे हो आपकी बॉडी का, आपके वेट का, वो ट्रांसफ़र होता है एंकल, उसके बाद नीज और उसके बाद आपकी पेल्विक जॉइंट में। तो ये बहुत ही ख़राब है। अक्सर लोगों को जो नी इश्यूज होते हैं इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि वो लिफ्ट कर रहे हैं और बहुत ही एक अनस्टेबल पोजीशन है ये। आप देखिए इस तरह की से खड़े होने की कोशिश कीजिए आपके नीज में कितना प्रेशर आता है। सो ध्यान दीजिए, कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको प्रॉब्लम है आपकी मोबिलिटी में तो क्या कर सकते हैं आप, नॉर्मल बॉडी वेट स्क्वाट से आप शुरू कीजिए। अपनी मोबिलिटी को फिक्स करने की कोशिश कीजिए, हिप्स को फिक्स करने की कोशिश कीजिए, मोबिलिटी लेके आइए अपने पूरे पोस्चर में। अदरवाइज ये बहुत ही गलत है, ठीक है। किसी में भी ना सिर्फ हैक स्क्वाट बल्कि नॉर्मल स्क्वाट, डेडलिफ्ट, कहीं पे भी अगर आप हील लिफ्ट कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। ऑलराइट, पांचवी और आखिरी मिस्टेक है ब्रीदिंग की और कितना वेट हम इसमें ले सकते हैं उसकी। सो ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर मूवमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे मूवमेंट्स कुछ इसी तरीके से होते हैं कि जब भी आप रेजिस्टेंस को नीचे लेके जाते हैं या रेजिस्टेंस को स्ट्रेच पार्ट में जाते हैं, एलोंगेशन पार्ट में जाते हैं, तो आप ब्रीथ इन करते हैं। सी इनहेल एंड एक्सहेल। अब बात रहती है कि हैवी वेट्स की, क्या हम इस मूवमेंट में हैवी वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हैवी लोड का इस्तेमाल किया जा सकता है और एक तरीके से कंपाउंड मूवमेंट है। आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, अपर बैक, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो आप हैवी वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 to 10 रेपिटेशन, मे बी 6 to 8 रेपिटेशन भी इसमें जाया जा सकता है, बट सेफ तरीके से। अगर आपका फॉर्म टेक्निक ख़राब है तो आपको हैवी जाने की ज़रूरत नहीं, मोबिलिटी पे काम कीजिए, स्टैंड्स पे काम कीजिए, तब जाके इस एक्सरसाइज को आप इस्तेमाल कीजिए। और गाइस, तो ये थी सारी मिस्टेक्स हैक स्क्वाट को लेके। अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है इस तरह की मिस्टेक सीरीज में तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। एंड टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।